सूक्ष्म मन के जो स्वभाव हैं वह इंसान की जकड़ान है। जो बेसिक नेचर हम लोग बना के आए हैं गुरु के पास, यहाँ आके उस नेचर को चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। एक जड़ भरत की बात आ गई मोह के लिए, राजा की बात आ गई कुत्ते के साथ खिचड़ी खाने के लिए, पर तुम अपने जीवन में अनुभव करके देखो, जो भी सूक्ष्म मन के स्वभाव पड़े हुए हैं वह आपको किसी भी निचाई तक ले जाते हैं। कभी तो कर्मों से, कभी ख्यालों से, पर निचाई में एक बार हो तो आते हो, क्योंकि जो अंदर पड़ा है उसका प्रभाव ज़रूर बाहर आएगा। और आत्म निश्चय के बिना और कोई उपाय नहीं है। अभी भी भगवान ने अच्छी बात बोली, मुक्ताभिमानी मुक्त हो जाता है। इसीलिए गुरु बार बार मुक्त आत्मा की याद दिलाता है और तुम्हें भी कहता है निश्चय करो, क्योंकि जो स्वयं को मुक्त आत्मा जानता है वो किसी भी ख्याल के अधीन नहीं हो पाएगा। कैसा भी विकार उठेगा पर वो उस विकार का गुलाम नहीं बन पाएगा। पहले तो विकार उठेगा नहीं, मानो कोई जीना पुराना स्वभाव निकल भी आया, आपको अधीन नहीं बना पाएगा वो। और वही मेहनत हर एक को अपने साथ करनी, क्योंकि अगर तुम थरली जांच करो तो जो जो स्वभाव तुमको पक्के हैं तुम उनको कहीं ना कहीं बख्शने को तैयार भी बैठे हो। अहंकारी आदमी और चीज़ों पे मेहनत कर लेगा पर अपने अहंकार को बख्शने को तैयार बैठा है। कामी पुरुष अपने काम को बख्शने को तैयार बैठा है। क्रोधी पुरुष अपने क्रोध को बख्शने को तैयार बैठा है। अपने मन में ऐसा भी है, जो रस जिसके अंदर पड़ा रहता है वो उस दिशा में पुरुषार्थ नहीं करना चाहता है। थोड़ा बहुत सोचेगा, संकल्प भी करेगा, फिर दो दिन बाद भूल भी जाएगा और फिर अपने स्वभाव में वर्तता हुआ समझ में आएगा। जो एक बेसिक नेचर है, अब कबीर का स्वभाव है दान धर्म का, जो आए खा के जाए, ऐसा होए वैसा होए, स्वभाव है ना। भगवान को भी उसके घर लंगर में चांदी के बर्तन बांटने पड़े। अब उसी स्वभाव के अधीन उसने सूत का गोला दान दिया, जिससे फिर अपने हाथ में कोड़ हुआ। असल में शास्त्रों ने दया को धर्म का मूल बताया और कई संतों ने इस चीज़ को पकड़ के चलना भी चाहा, लेकिन आत्माकार स्थिति पूरी नहीं है जब तक। अहंकार से भी तो बचना है। ज़रूरी बात है, अगर हाथ में कोड़ हुआ, उसने विचार किया, कर्ता भाव पूरा नहीं गया, चाहे ये समझता है भगवान का है, पर ये तो समझता है जो भगवान ने दिया मैं देता हूँ। अब दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान, उसने फिर फंसा दिया। क्राइस्ट ने दया की, जब सन ऑफ गॉड कहता है अपने को, ये भी समझता है सब गॉड का है, गॉड नहीं करने वाला है, फिर इंटरफेयर करने की क्या ज़रूरत है। आंख दे दी आदमी को, वो वेश्या के पीछे भाग लिया। ये सब उदाहरण हमें क्या बताते हैं कि अपने आप को सत की माया से भी छुड़ाना चाहिए, जो सत्कर्म वाली माया है। आज दादाजी का वचन बहुत गहराई से समझ आएगा तुम्हें कि सत्य और बद का त्यागी होने को उन्होंने क्यों कहा है। सत्कर्म की भी अपनी एक माया है और सत्कर्मों में
या सत्वगुण धारण करने में सत्वगुणी होने का अभिमान भी बाधा बनता है, और कहीं ना कहीं सत्कर्मी भी अपने स्वभाव से बंधा हुआ है, कहीं ना कहीं बंधा हुआ है। आप कभी अपने दायरों में बात करके देखना सत्संग की, खास तौर पे किसी बड़े बुजुर्ग से, कोई दादी नानी हो तुम्हारी, कोई और ओल्ड एजेड हो, कोई अड़ोस पड़ोस में बुजुर्ग हो, हम सत्संग जाते हैं, हम ऐसा करते हैं, बताओ, वो तुम्हें कभी ना कभी ऑफर करेंगे, आज मेरे पोते का जन्मदिन है 100 रुपये ले जा, आज मेरी पोती का जन्मदिन है मिठाई ले जा, मेरे को ले चलियो, मैं मत्था टेक आऊँगी, आशीर्वाद मांग आऊँगी। बंधा है ना सत्कर्मी अंदर। मनुष्य को जब तक आत्म निश्चय में नहीं आता ना, उसको अच्छा चाहे बुरा, सत वाला स्वभाव चाहे बद वाला स्वभाव, दैवी संपदा चाहे आसुरी संपदा, उसके जी का जंजाल है, एक बंधन है ही सही अंदर। गुरु क्यों बार बार हमारे अहंकार को धक मारता है? क्योंकि रहता ही रहता है वो अंदर में, वो इधर उधर नहीं हो सकता है। जिस चीज़ का भी नेचर बना के चल लो, अगर पुरुषों में अभिमान की अधिकता है, उनके अभिमान को ना छेड़ो, सत्संग उनको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब अहंकार की बात आती है, तुम देखो हम लोगों के सत्संग में अभी तो जेंट्स बढ़ गए हैं बहुत, शुरू में ज़्यादा नहीं आते थे, इतनी वाणी चलती थी अहंकार पर, जेंट्स लोग चिढ़ जाते थे कि ये लोग दूसरी बात ही नहीं करते हैं। अब समझ आए किसी को कि ये अहंकारी बाधा है, तब तो सजदा करेगा वो, वरना उसको अगर अपने ईगो को प्रोटेक्ट करना है, वो यहाँ से जाना मंजूर करेगा, बैठेगा किस लिए? ये डिफरेंस हो जाता है। आपके अंदर जो भावना पड़ी है, समझो आजकल लेडीज़ बड़ी जागरूक हो रही हैं सेल्फ डिफेंस में, इसमें, या जैसे एक आपकी अपनी ईगो है, भाई पुरुषों के मुकाबले हम भी कम नहीं हैं। अब आपको वैसे 100 बातें बोल दी जाएं, आप सहन कर जाओगे, पर जहाँ पुरुषों के मुकाबले में कुछ कह दिया जाए, वहाँ चिढ़ जाओगे। रिएक्ट करो या ना करो, मतलब अच्छा नहीं लगेगा अंदर। बेसिक नेचर की हम बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है। कई बार होता है, कई चीज़ों में आपका मन फंसा हुआ होता है अपना, जैसे उस दिन बताया भी किसी ने बोला मेरे को कोई प्लीज़ कह रहा है तो मेरा जाने का मन हो रहा है। अब प्लीज़ तो कई जगह आएगी, प्लीज़ तो गुरु ने बहुत कह लिया, लेकिन किस प्लीज़ को पकड़ रहे हो? जहाँ अपना मन भी झुक रहा है वही प्लीज़ समझ आ रही है, और कोई नहीं आ रही, क्योंकि सूक्ष्म मन में अपना रस है, वहाँ पर ही प्लीज़ समझ में आ रही है। कई बार कहीं जाने का तुम्हारा अपना मन होता है, तो 100 बहाने, घर से गाड़ी जा रही है, कोई बार बार कह रहा है ना, और कहीं तुम्हारा मन नहीं है, तो तुम ये भी तो बोलते हो गाड़ी तो 100 बार अकेले तुम वैसे भी ले जाते हो, आज कोई नई गाड़ी जा रही है अकेली, मतलब कहाँ दिक्कत है? हमारे बेसिक नेचर में दिक्कत है। आप देखो झूठ बोलना इंसान की मजबूरी नहीं होती, स्वभाव बन जाता है। कितने लोगों से हम मिले हैं ऐसे जिन्होंने इस झूठ सच की माया में सिद्धक गवा दिया, भगवान गवा दिया, पता नहीं कितना नुकसान कर लिया, लेकिन जीवन से झूठ खत्म नहीं हुआ, शायद वो आज भी बरकरार है, क्योंकि अपने नेचर को कैच नहीं किया और उसको ठीक नहीं किया, बहुत कुछ लूट गया उसके चक्कर में, बहुत कुछ चला गया।
लेकिन वो जो बेसिक नेचर है वो अभी भी चले जा रहा है, चले जा रहा है। पहले तो एक बार झूठ सच कर ही लो, फिर बाद में बोलो हाँ हाँ मुझे विवेक आ गया, मैंने मनन कर लिया। अब ये झूठ के ऊपर झूठ है, ऐसा नहीं है कि ये सच्चाई हो गई किसी की, ये फिर झूठ की माया फरेब वाली वो चल रही है। एक्चुअली तो अपना नेचर नहीं समझ में आता, और आ भी जाए तो उससे अपने को छुड़ा नहीं पाते हैं। प्रॉब्लम तो वहाँ पर है। इतने बड़े बड़े संतों के मिसाल गुरु हमको क्यों सुनाते हैं? ऐसा नहीं है कि हम इतने ज़्यादा चढ़े हुए हैं कि गुरु उनकी बात हमको बता रहे हैं। बात ये है कि सूक्ष्म मन में जो रह जाता है वो कहाँ अटैक करेगा, और करी कराई सारी तपस्या पे कहाँ पानी फेरेगा ये तुम्हें भी पता नहीं लगेगा। बहुत बाद में होश आता है जब इंसान गिर जाता है, फिसल जाता है, बाद में होश आता है कि ये मैंने क्या किया। है तो जरा सी बात, है तो टके की बात, लेकिन उसके कारण अपना नुकसान कितना ज़्यादा हो गया। देखो, इस मार्ग पर चलते हुए किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, जो बिगड़ता है हमारा अपना बिगड़ता है। भगवान बार बार बताते थे कि इस राह पर चलते हुए किसी के साथ धोखा नहीं होता। इंसान को सबसे महंगा पड़ता है अपने को धोखा देना, क्योंकि जीवन हाथ से निकल जाती है, पल्ले कुछ पड़ता नहीं है। जीवन भी निकल गई हाथ से, कई साल तुमने दे भी दिए यहाँ पर, उसके बाद तुम्हारे हाथ क्या आया? खाली के खाली बदनामी कि एक विकार फिसला के चला गया। लगता है जैसे हम धोखा ना दूसरों को दे रहे हैं। वह भी समझो कोई गुरु से ही झूठ सच करता है तो गुरु से धोखा थोड़ी दे रहा है, गुरु भी तेरा अपना आप है, तू अपने को ही धोखा दे रहा है। सोचने वाली बात है, किसी दूसरे को तुम धोखा नहीं देते, तुम अपने को धोखा देते हैं। भाई तुम गुरु को बोलो अंदर का अपना ख्याल छिपा लो, तुम कोई मन है कहीं जाने का, तुम अपना ख्याल छिपा लो और बोलो मेरे को दूसरा मजबूर कर रहा है। चलो हम तो कह भी दें हाँ ठीक है दूसरा मजबूर कर रहा है, कोई बात नहीं, तुमने किसको धोखा दिया? अपने आप को। क्योंकि जो तुम्हारी मायाकार वृत्ति बनेगी, जो तुम फरेब नए सीखोगे, जो तुम पाप कमाओगे, भुगतान कौन करेगा? तुम ही करोगे। जब यहाँ तक मिसाल सुना दिया गया कि भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान सुना रहे थे, हनुमान जी ने रथ के ऊपर झंडे के पास बैठ के सारा ये वाला ज्ञान सुना था, उन पर भी दोष आया कि गुरु के स्थान से ऊंचे बैठे थे वो। दूसरा चोरी सुना तो फिर क्या मिला? प्रेत राज का अवतार, प्रेत जून मिल गई। ये दोष लगा, कर्म तो चाहे अच्छा था उसमें भी छल फरेब नुकसान वाला, हालांकि उनका छल का कोई भाव भी नहीं होगा, पर चोरी सुना लगा होगा पता नहीं और किसी को अलाउ करेंगे कि नहीं मैं ये ज्ञान सुन लूं, उसमें भी प्रेत राज की जूण मिल गई। सोचने वाली बात है। यहां भी कितने लोग करते थे ना छल कपट, अब है तो कुछ नहीं, गुरु किसी को स्टॉप करता है, ड्रिल है गुरु की तो, पर गुरु से चोरी किसी से मिल आए, किसी के घर हो आए, सत्संग कर आए, कई लोग करते हैं ऐसा। आजकल जैसे जूम ही चली, भाई कुछ विशेष लोगों को दे दिया नंबर, पता ना चले किसी को, अगर पता चला तुम्हें भी बाहर कर देंगे, तो ये कर्म प्रेत वाले हो गए ना, मुक्त तो कहाँ से होगा, प्रेत वाला कर्म हो गया ये।
गुरु से चोरी हो गया। अब मन कितनी चोरियां करता है, और तुम देखना जितना मन चोरियां करता है उतना स्वभाव प्रेतों वाले, अभी प्रेत जून मिलती है, प्रेतों वाले स्वभाव आ जाते हैं, प्रकाशित स्वभाव नहीं होंगे, तामसी स्वभाव होंगे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने को। अभी गुरु की भी बात सुनते हो, मन की तरफ खड़े हो जाओ, गुरु में अश्रद्धा पैदा होती है, गुरु की तरफ खड़े हो जाओ, मनोलय महसूस होता है। बड़ा लिविंग एग्जांपल है कि अपने स्वभाव का साथ दो तो गुरु में अश्रद्धा उठती है, गुरु की तरफ खड़े हो जाओ, अपने स्वभाव खत्म होते हुए समझ आते हैं, दिखता है डिस्ट्रॉय हो रहा है मेरा नेचर, जैसे धक लगी है उसको एक कस के, तो आगे के लिए जागृति भी आती है। अब अगर कोई व्यक्ति जहाँ जहाँ पकड़ा जाए वहाँ वहाँ वो ये बात कह दे, हाँ हाँ मेरे को अब समझ आ गया, दो दिन विचार किया, चार दिन विचार किया, अब ना मुझे समझ आ गया, और रोज़ चौथे दिन वही काम फिर कर रहा है, क्या उसको समझ आया? नहीं, वो सिर्फ फरेब कर रहा है, और फरेबी का यहाँ पर गुजारा नहीं है। छली कपटी व्यक्ति यहाँ पे कामयाब कभी नहीं होगा। भगवान कहते थे हम गर्दन उतार दें तुम्हारी, तुम्हें पता हो गुरु गर्दन काट देगा, तो भी सच बोलो, झूठ कभी मत बोलो, छिप छिपाव कभी मत करो, ये पाप कभी मत कमाओ, वरना तुम सत्य के मार्ग पर चल के भी बदकर्मी से भी बदतर हो। झूठ सच करने वाला आदमी, छिप छिपाव करने वाला आदमी बदकर्मी से भी बद है। कि जहां सच्चे होने आए वहीं छल कपट फैला लिया, वहीं फरेब फैला लिया, और जितने लोग प्रभावित होंगे तुम्हारे इस झूठ में उन सब का दोष तुम्हारे ऊपर। अगर कबीर ने गोला दान किया, अगले ने मछली फंसाई, कोड़ कबीर को हुआ, दोष कबीर पर आया, तो अपने झूठ सच की माया में हम जितनों को इन्वॉल्व करेंगे और जितना उनके कर्म बनेंगे वो सारे हमारे ऊपर ही तो आएंगे। यही तो बड़े में बड़ा दोष है। इंसान सोचता है मैं अपने अभिमान को पोषित कर रहा हूँ, मैं बड़ा ज्ञानवान हूँ, मैं बहुत लोगों को मार्ग दिखा रहा हूँ, लेकिन जब शुरुआत ही गलत है, बीज ही गलत है, तुम्हारी अपनी श्रद्धा में खोट है, छेद है, तुम किसी को गुरु में भी भाव नहीं रखवा पा रहे बल्कि अश्रद्धा ही डाल के बैठे हो, तो कल्याण के बदले काल के मुंह में ही तो जा रहे हो। जागृति कहाँ से होगी, सच कहाँ पर है? झूठ की बुनियाद पर कभी सच थोड़ी टिकते हैं। मन में अश्रद्धा की नींव हो कभी ज्ञान की स्थिति थोड़ी टिकती है। मन में कृतज्ञता ना हो तो कभी आत्माकार वृत्ति थोड़ी बनती है। दिखावा बन सकता है, स्थिति नहीं बन सकती कभी भी। याद रखो तुम अपने स्वभाव को गंवाने आए हो, याद रखो तुम अपने आप को बनाने आए हो, और यहाँ पर एक ही बात है, चेंज योर सेल्फ, अपने आप को बदलना है। इसीलिए तो गुरु कहता है साक्षी भाव, मन के साक्षी होके मन को अपने से अलग करो, क्योंकि जब तक मिक्स रहेगा तब तक काम खराब रहेगा। मिक्स है ना, जुड़े पड़े हैं, मिले पड़े हैं मन से, तो मन की नेस्ती कैसे करोगे, मन के स्वभावों की नेस्ती कैसे करोगे? जो पड़ा था वो निकल आया। अब चुहिया को चाहे संत राजकुमारी बना दे, प्रसादी करके गई,
पहले ही दिन रात को कमरे से गायब थी। राजकुमार ने ढूंढना चाहा, देखा महल के बाहर जो दिए जल रहे थे उसका तेल चाट रही थी। पहुंच गया वापस संत के पास। कैसी लड़की दी है आपने, तेल चाट रही है? संत के मुंह से निकला, रही चुईया की चुईया, वापस चुईया हो गई। भगवान बोलते थे कि डरना, किसी दिन गुरु के मुंह से निकल ना जाए रन रही चुईया की चुईया, कि तुम्हारे कर्मों को देख के, स्वभाव को देख के गुरु के मुंह से कभी ये ना निकल जाए कि रहे वही के वही अज्ञानी, वही जड़ बुद्धि। तो बोला जितना जागे उससे भी जाओगे। तभी तो बोला पीर को मना के रखना पड़ता है, ऐसा ना हो अपने स्वभावों की ऐसी अधीनता, ऐसी गुलामी कर बैठो तो फिर बात बनेगी नहीं। कल भी दादाजी ने बोला ना, गुरु जब तुम्हारे ऊपर प्यार रखे तो तुम्हारा कल्याण शुरू होता है। बोला अगर गुरु तुम्हारे ऊपर प्यार नहीं रखता है, गुरु की प्यार वाली नज़र नहीं है, गुरु राजी नहीं है, तुम्हारी सारी जिंदगी की मेहनत खराब हो जाएगी, लास्ट में फल कोई भी नहीं निकलेगा, क्योंकि गुरु की नज़र ही नहीं है। गुरु की प्यार वाली नज़र चाहिए। और गुरु राजी किससे होता है? बहुत ज्ञानी ध्यानी से नहीं। भगवान बोलते हैं छल कपट मोए छिद्र ना भावा, मेरे को सिर्फ छली कपटी आदमी नहीं पसंद आता है। अगर कोई सच्चा है उसका बेड़ा तो मैं ऐसे ही पार कर देता हूँ, पर कोई छल रखता है, कपट रखता है, मेरे सामने और पीछे और, उसके अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, तो ज़रूरी बात है वो मेरे दिल से दूर होता जाएगा। कई बार होता है अगर हम सच नहीं बोलते भगवान भी मौन रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है उनको कुछ पता नहीं है, वो भी कैपेसिटी देखते हैं तुम्हारी। और फिर वही बात, भगवान ने बोला शिशुपाल को घड़ा भर जाने दो, एक ही बार फोड़ देंगे, फिर चलो तुम्हारे भी छल कपट का घड़ा भर जाए, जरा कोई नहीं, फूटना तो है, लेकिन फिर ऐसा फूटा कि श्वास भी गए, कौन सी झुंड में गया होगा पता नहीं, वो नुकसान हो गया ज़्यादा। क्योंकि जब तक जीवित हो तुम्हारे पास अपने बनाने के लिए वक्त है, समय है। बड़ी माइन्यूट माइन्यूट बातें होती हैं जिनको गुरु पकड़ के और सही बनाता है, होती माइन्यूट बातें लेकिन नेचर में शामिल हैं और पता नहीं चलती। जैसे उस दिन बोला गुरुजी ने पूछा फोटो किसका है, तो गीता भगवान बोलते हैं कि ये तेरी मासी चाची नहीं है। अब कहने में हम कहेंगे लो बता देते किसका है, इतना कड़ा शब्द, लेकिन गुरु को मालूम है कि आज मेरे घर ध्यान जा रहा है, इसका मतलब संसार में भी जाता होगा। और इतना कड़ा शब्द बोल दिया, भगवान कहते थे दुनिया में कभी किसी के घर गए ना, कुछ देख के कभी ख्याल नहीं आता था किसकी फोटो, किसका लेना, किसका देना। गीता भगवान ने संकल्प ही खत्म करा दिया, बोले कुछ देखो भी याद आ जाता था तेरी मासी चाची तो नहीं है, चलो अंदर वापस। ये रम्स से भी गुरु निकाल देता है। एक लड़की अलमारी संभालती थी गीता भगवान की, सारा सामान रखना करना वो करती थी। तो एक दिन उसने देखा भगवान की अलमारी में 12 पेन पड़े हैं। अब कोई ले भी आता है गुरु के लिए, अच्छे से अच्छा ही लाता है, जो भी है, सुंदर भी थे पेन, 12 पेन पड़े थे। अलमारी की सेटिंग वेटिंग करके उनको कहती है, भगवान आपकी अलमारी में 12 पेन पड़े हैं, एक मुझे दे दीजिए। भगवान बोलते हैं हम नहीं देंगे, तूने किसी की चीज़ में आंख क्यों रखी, क्यों ध्यान गया तेरा, तेरे को विश्वास नहीं है परमात्मा तेरे को जो तेरे लिए योग्य होगा अपने आप देगा,
मेरी अलमारी में तूने आंख क्यों रखी और नहीं दिया भगवान ने उसको पेन। अब बात बड़ी छोटी सी है और मन कहेगा लो इनकी आसक्ति है क्या? बात उनकी आसक्ति की नहीं है, बात उसके स्वभाव की है। भगवान को नहीं लगता होगा निरिच्छा है, भगवान को नहीं लगता होगा कि रजा में राजी रहती है, नहीं लगा होगा उनको कि इसको विश्वास है मैं इससे पहले इसका ध्यान रखती हूँ, जो भी उनको आया होगा। पर उन्होंने पेन नहीं दिया, चटके का पेन हो। अब अगला सोच सकता है लटके की पेन के लिए गुरु ने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी, मना कर दिया, इतना कुछ सुना दिया, मैं इतने काम भी तो करती हूँ और कहते हैं तो मेरी अलमारी में आँख रखती है, मेरी चीज में आँख रखती है। अगला कुछ भी सोचे, पर जिनकी संसार में आसक्ति नहीं, एक पेन में आसक्ति है क्या? वार कहाँ किया? उन्होंने उसके बेसिक नेचर पे वार किया। अब अगर मनन करो इस बात का, हमने भी बहुत सालों पहले सुनी थी, पता नहीं भी कहाँ से याद आ गई है बात, पर अगर तुम विचार करके देखो तो ये बात मदद बहुत करती है। होता है ना कभी कोई अच्छी चीज़ देखो, मांगोगे नहीं, लोगे नहीं, पर वह मन ख्याल भी तो ले आता है, मेरे पास भी होती, अच्छी लग रही है, अटकता है मन नहीं अटकता है। गुरु ने तो उसकी अटकन तोड़ी है, पेन तो 12 के 12 भी दे सकते थे, एक की क्या बात है, वो तो 12 के 12 पेन दे देते, क्योंकि यही गीता भगवान है जिनको जिस दिन गुरु ने मना किया रेशमी कपड़े पहनने को, जब प्रॉब्लम हुई कैंसर वाली, रेडिएशंस होते थे, तो डॉक्टर ने कहा आपको बिल्कुल सूती कपड़े पहनने। हॉस्पिटल से आए घर डॉक्टर के पास से, अलमारी में से सारे कपड़े निकाल के बेड पे डाल दिए, सारे के सारे, और एक को सिलाई आती थी उसको बुलाया, बोला ये सूट सारे लड़कियों को ठीक करके दे दो, जिसको जो पसंद हो उसके नाप का बना दो। एक सेकंड नहीं लगाया उन्होंने, सारी अलमारी दे दी और अपने 4-5 कॉटन के सूट आते हुए ले आए थे रेडीमेड, बोला हम यही पहन लेंगे, हमें ज़रूरत नहीं। वही गीता भगवान है। तो क्या 12 पेन में कोई आसक्ति पड़ी है या एक पेन देने में कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम हमारे नेचर की होती है। गुरु की टोक, गुरु का क्रोध, गुरु का कोई कार्य ऐसा नहीं है, पर वो हमारी नेचर को पकड़ता है। कभी कभी हम अपने फर्ज से गाफिल हो रहे होते हैं, कभी कभी जो हमें सोचना चाहिए, जितना विचार से चलना चाहिए नहीं चल पा रहे होते हैं। कभी कभी गुरु हमको बहुत अपने आप को ही सौंप देता है, तो गुरु के शरीर को अपने शरीर की तरह नहीं संभालते हैं। ये नहीं उनकी शरीर में आ सकती है, लेकिन हमारी गफलत है। एक ने सत्संग में बोला था गीता भगवान को, बोला कि आपकी तो आसक्ति नहीं है संसार में, तो आपने जो ये हीरे का कंगन पहना ये मुझे दे दीजिए। बोला क्यों दे दूं, इस हाथ में शोभा नहीं दे रहा क्या? और मेरा तो गुम हो जाएगा, हम रोएंगे नहीं, पर मेरे लिए हुए भी तेरी आसक्ति हो जाएगी और तुम रोएंगे अगर ये गुम हो गया, नहीं देंगे हम तुम्हें। अब ऐसे ज्ञानी हठी दिखता है ना, कहीं कहीं आसक्तिवान दिखता है, हठी दिखता है, लेकिन मेन चीज़ क्या है, हमारे नेचर में प्रॉब्लम्स होते हैं। गुरु उस पे वार करता है, गुरु उस पे वार करता है। अभी कभी हम लोग देखते थे कोई साथ चलता था, अब कंजूस स्वभाव का है, भगवान जानबूझ के उसको भेज देते थे, जाओ सबके लिए कोल्ड ड्रिंक ले आओ। ये थोड़ी है कि अफोर्ड नहीं करते या अपने से नहीं दे सकते, सिर्फ स्वभाव छुड़ाते थे। कोई कोई होता था बड़ा दिखावे का स्वभाव, आगे बढ़ बढ़ के हर चीज़ में, नहीं मैं दे रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, भगवान धीरे से बोलते थे इसको बोलो जाके उधर बैठे, हम अपने आप कर लेंगे जो हमें करना है। तो समझ आता है गुरु का काम है
तुम्हारी जकड़न तोड़ना। उसको किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है किसी के, पर जहाँ जहाँ जो जिस जकड़न में फंसा हुआ है, गुरु उसको उस जकड़न से बाहर निकालता है। जहाँ जहाँ तुम्हारा मन जो जो चिंतन कर रहा है, गुरु तुम्हें उस चिंतन से रहित करता है। गुरु का काम ये है। कई बार होता है गुरु थोड़ा पूछता है, प्यार करता है, मन फिर इसी चिंतन में ही रह जाता है हमेशा। मेरे को ही पूछेंगे, मेरे को ही बुलाएंगे, मेरे को ही, फिर थोड़ा टाइम गुरु इग्नोर कर देता है, बैलेंस हो तो मुसीबत हो गई नहीं, क्योंकि उसका मन ही नहीं लगेगा, मज़ा ही नहीं लेगा किसी चीज़ का। मुझे बुला रहे हैं, मुझे आगे बुला रहे हैं, मेरे को ऐसा कर रहे हैं, गुरु भांप जाता है झट, वो आंखें बोल पड़ती हैं ना, मुँह नहीं बोलता। तो तुम्हारी जकड़न तोड़ने के लिए गुरु को कभी कभी इग्नोर भी करना पड़ता, ये स्वभाव पक जाएगा नहीं तो। ऐसे सूक्ष्म स्वभाव हैं जिनकी खबर ना कभी कभी खुद को भी नहीं लगती, ऐसी सूक्ष्म माया है ये। अपने आप को भी खबर नहीं लगती हम क्या कर रहे हैं। मार्ग जितना मर्जी अच्छा पकड़ लें, पर अपने स्वभाव नहीं छोड़ते। अब चोर है ना, वो तो मंदिर में भी जाके देखेगा, भगवान के मुकुट को गौर से देख रहा है। अब तुम बोलो स्वरूप आ सकती है, स्वरूप आ सकती नहीं है, मुकुट के सोने में आ सकती है। वो ये सोच रहा है मैं इसको कैसे पार कर सकता हूँ। एक भगत देख रहा है, भगत मुकुट नहीं देख रहा, भगवान की शोभा देख रहा है। मुकुट की बात भी कर रहा है, पर वो मुकुट को भाग्यशाली कह रहा है। फिर अपने भगवान को कह रहा है, देखो जड़ मुकुट को भी धारण करके इन्होंने उस पर कृपा कर दी है। उसकी भावना कहाँ है? भगवान में। सत्य के मार्ग पर चलने वाले का भाव हमेशा सत्य में होना चाहिए, हमेशा सत्य में। दाएं बाएं हुआ नहीं, फिर पता नहीं कौन सी 84 की खाइयों में जाएगा। फिर वो झूठ, सच, छल, कपट, ये सब अगर साथ लेके चलता है। भगवान कहते थे, कभी मान लो तुम्हें लगता है तुम बड़े सच्चे हो, पर गुरु की बात से तुम्हें पता चलता है कि गुरु को एतबार नहीं है। उसको एतबार दिलाने के लिए तुम कोई भी यत्न करो, कितना तपो, पर गुरु को यकीन दिलाओ कि हाँ मैं आपसे सच्चा हूँ, लॉयल हूँ, मेरा आपके सिवाय कोई नहीं है। इतना ट्रुथफुलनेस तो चाहिए। अब मार्ग पकड़ लिया सच का, जैसे मंदिर तो चला गया चोर, पर गया तो वो भांपने है क्या चोरी कर सकता है। सच के मार्ग पर हम चले, पर ऐसा तो नहीं कि यहाँ भी हम अपने स्वभावों की पूर्ति। हमारे पास दादाजी के पॉइंट्स लिखे हुए हैं, साधक के लक्षण कभी सुनाएंगे तुम्हें। सबसे पहला लक्षण है सच्चा जिज्ञासु किसी के अन्न पर नहीं चलेगा। लाइन इतनी सी है, पर विचार करो, अन्न खाली पेट वाला अन्न थोड़ी होता है। माना सच्चा जिज्ञासु कभी भी अपनी चाहे शारीरिक चाहे मानसिक संतुष्टि के लिए किसी का आसरा नहीं लेगा। तभी तो आत्मा से आत्मा में तृप्त होगा ना। और जब बार आसरा लेना नहीं है तो छलवल का भी सहारा नहीं लेना पड़ेगा, झूठ सच भी नहीं करना पड़ेगा, अपने आप सीधे हो जाएंगे। पर मार्ग पकड़ लिया सच का, रस पड़े हुए हैं अंदर अपने बरकरार हैं, तो क्या होता है, हम अपने रसों की पूर्ति ज्ञान की आड़ में भी करते रहते हैं। कई लोग बचपन से अहंकारी, जिद्दी, इस तरह के होते हैं भाई, अपनी ईगो में चलने वाले, ना तो ना सही। कई बच्चों को देख लो, उसको एक बार किसी ने खिलौना मना कर दिया, फिर चाहे कोई देगा भी ना, वो उठा के फेंकेगा, नीचे ये तेरा खिलौना।
होते हैं ना ऐसे बचपन से जिद्दी अहंकारी, जो चाहिए वो चाहिए, अपनी ऐंठ में चलना, किसी को कुछ ना समझना, बचपन से ही वही अहंकार का स्वभाव होता है। सत्संग सुना, अपने आप के ऊपर तगमा क्या लगा लेते हैं, मैं बचपन से निरीच्छा बहुत रहा हूं। फिर अभी गुरु के पास भी अहंकार दिखाते हैं, फिर कहेंगे नहीं नहीं मैं तो अचा हूं अंदर से, मैं तो ना अचा हूं, गुरु का प्रेम भी नहीं चाहिए। तो भक्ति मरी पड़ी है जिसकी, स्वभाव जी रहा है उसका, और वो अपने आप को ज्ञानी कह रहा है कि नहीं? अजीब बात, ये मन समझ में नहीं आता किसी को, और गुरु के बिना कोई समझा भी नहीं सकता। दादा भगवान की वाणी चली, आंखें भगवान ने सबको दी हैं, पर इन आंखों में दोष है, अपने आप को नहीं देख सकती हैं। अखियों डिसन परखे पैंजो डिसन न मुख, पर बिन सुजाने पैंजे कड़े न मिलन दो सुख। ये आंखें बाहर तो सब कुछ देख सकती हैं, अपना दर्शन ही तो नहीं कर सकती हैं, उसके लिए आईना चाहिए। इसीलिए गुरु चाहिए कि वो आखिर तक हमारे भ्रम तोड़ता रहता है। बहुत सारे भ्रम हम पाल लेते हैं इस मार्ग पर भी, अपना ज्ञान बना लिया, अपने नेचर को ज्ञान बना के पेश कर दिया, संसारिक चार लोग तो प्रभावित हो जाएंगे, पर गुरु तो तुम्हारे नेचर की गलती समझ रहा है, बेसिक नेचर जान रहा है। कितनों को तुम देखो कहते हैं सॉरी तो हमने आज तक अपने बाप को नहीं कहा, तो ये उसका आत्म सम्मान कहलाएगा क्या? शब्द कोश इंसान के पास बहुत सारा है, अपने स्वभावों को शब्दों के सुंदर कपड़े पहना देता है और अपने को निर्दोष कह देता है, बल्कि अपने अवगुण को गुण बना देता है। आप देखो ना, अहंकारी आदमी अपने को कह रहा है कि नहीं मैं सेल्फ रिस्पेक्ट वाला हूं। अब ये सेल्फ रिस्पेक्ट जबकि गुरु के आगे चलती नहीं, गुरु के आगे सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या मतलब? गुरु के आगे तेरी रिस्पेक्ट का ही क्या मतलब? वहां तो सिर को पांव बना ले। तो बहुत कुछ होता है ऐसा स्वभाव में जिसको हम प्रोटेक्शन देते हैं और ज्ञान की आड़ लेते हैं, यही जकड़न है जो नहीं जाती है। बहुत कुछ चला जाता है लेकिन यही जकड़न नहीं जाती है। बाथरूम्स यूँ पुराने होते जाते हैं, चाहे टाइलें रोज धोते रहो, एक समय निशान और सब आ ही जाते हैं, आखिर बाथरूम नया बनवाना पड़ेगा। जितना मर्जी साफ है फिर भी दिखने लगता है पुरानी हो गई टाइलें, आ जाते हैं दाग जो जाते ही नहीं है, होता है नहीं होता है? वही बात है, गुरु चरणों में गुरुमुख होकर आज मेरा नया जन्म हुआ। गुरु चरणों में आओगे, गुरुमुख बनोगे, नवजीवन को प्राप्त करोगे। आज भी सुबह किसी से बात हो रही थी, शादी हुई अभी उनके घर में, बहुत तारीफ कर रहे थे डॉटर इन लॉ की। तो हम सोच रहे थे ये गुण ग्राहक दृष्टि भी तो गुरु दे देता है ना, और ताली तो दो हाथ से बजती है, अगला इतना अच्छा चल रहा है, ज़रूर आप भी इतने अच्छे हुए होंगे अंदर से कि अगला आपके साथ इतना कंफर्टेबल है, फ्री है, खुश है, रिस्पेक्ट करके चल रहा है, ताली भी दो हाथ से बजती है, हम स्पेस दे रहे होंगे इतना तो अगला हमें दे रहा है, और ऊपर से गुरु ने नज़र कितनी अच्छी कर दी है कि कोई नेगेटिव बात दिखती नहीं होगी ना, ओनली पॉजिटिव, और खुद इतने मगन मस्त ज्ञान में गुरु के पास ध्यान जाता भी नहीं होगा, एक्सपेक्टेंस होती भी नहीं होगी, हो गया घर स्वर्ग अपने आप। अब सामने वाला भी तो ऑब्जर्व कर ही लेता है कि जब मेरे से इतना अच्छा चला जा रहा है तो मूर्ख तो कोई भी नहीं होता कि कोई अच्छा चल रहा हो उसके साथ जबरदस्ती भिड़ेगा।
तो अगले को अपने घर से ज्यादा प्यार आपके पास मिलता है, वो और ज्यादा प्यार करता है। यहां दादा भगवान के शुक्राने याद आते हैं, सबके स्वभाव भीतर से बदल दिए, सबको अंदर से चेंज कर दिया है, दृष्टि बदल दी है। तो आज अपने आप सब कुछ अच्छा दिख रहा है, अच्छा हो भी गया, दिख भी रहा है, हो भी गया। अगर थोड़ी बहुत कोई कमी होगी, अभी अच्छा अच्छा करते करते वो भी शायद चली गई होगी। यही तो भगवत कृपा है, यही तो है जब अपने स्वभावों की जकड़न तोड़ के हम बाहर आ जाते हैं, हमारी वृत्ति अच्छी हो जाती है। संसार में क्या है, हर कोई दूसरे से एक्सपेक्ट करता है। शादी करके लड़की लेके आते हैं ना, तो ये उम्मीद रखेंगे वो हमको माता पिता समझे, खुद बेटी में बहू में भेद करते रहते हैं। पर जहां किसी आने वाले बच्चे को दिखता है कि मेरे को बेटियों वाला प्यार मिल रहा है, उसको कहना नहीं पड़ता, माता पिता समझ, उसका भाव अपने आप बन जाता है, उससे भी ऊपर बन जाता है, अपने माता पिता से भी अधिक प्रेम करने लगता है वो। कि जब प्रेम में शेर तक वश हो जाते हैं इंसान की तो बात ही क्या है। प्रेम से जब इतने बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं कि महात्मा बुद्ध अंगुली माल को पलट लेते हैं, एक प्रेम की निगाह की तो बात है। तो कौन है जिसको प्रेम पसंद नहीं है, कौन है जो प्रेम नहीं भी चाहता है? सब प्रेम तो चाहते हैं ना, पर बात है अपने स्वभाव में बदलावट आनी चाहिए। जब हमारा स्वभाव बदलता है संसार बदल जाता है। ठीक बोला दादाजी ने, चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर आउटलुक, चेंज योर विजन। अपनी नज़र बदली, सब कुछ बदल गया, अपना भाव बदला, सब कुछ बदल गया। आने वाला बच्चा हमें तो क्या, हमारी फैमिली को तो क्या, हमारे सत्संग तक को भी एक्सेप्ट कर लेता है, अपने आप ही भाव बन जाता है। बात तो अपने नेचर की होती है। और कोई व्यक्ति समझो सालों गुरु के पास भी रह जाए और बदले ना, वो अपने घर के दो चार लोगों को भी प्रभावित नहीं कर पाता। ससुराल तो दूर की बात है, तो मायके में बैठे, वहां भी कोई प्रभावित नहीं, वहां भी लड़ाइयाँ, वहां भी शोर, वहां भी झगड़ा, वहां भी हर एक मन में ये सोचता है फिर सीखा क्या अगले ने, फिर गुरु के पास जाके भी क्या किया, क्योंकि अपने स्वभाव की जकड़न नहीं टूटी। तो चीज तो ये है ना। अच्छा, आपको भी अंदर में क्या चीज परेशान करती है? अपने स्वभाव की जकड़न। वरत तो जाते हो अपने स्वभाव में, लेकिन बाद में परेशानी भी तो उसी से ही होती है, शर्मिंदगी भी उसी से होती है। किसी ना किसी कोने में अपने आप को भी पता रहता है कि अभी पुरुषार्थ में कमी है, पता रहता है अपने आप को कि समय आने पर मेरा अपने ऊपर वश नहीं होता, मैं फिर उस स्वभाव में वरत जाता हूँ। यही तो अजीब बात है कि कारण आया, कारण शरीर का अज्ञान उपस्थित हो गया, पर ये अज्ञान कारण में पहुंचा कैसे? चिंतन में सावधानी ना रखी ना। अब भाई बात भरत की सुनी, भाई अंत समय हिरनी के बच्चे में मन चला गया, तो एक मोह के कारण भरत धरी दो देह, ठीक है, कारण तक हिरनी का बच्चा घुस गया। अब जब उसकी समाधि में ध्यान में विक्षेप हो रहा था, उस समय जागृत होता ना, उस समय अधीन है एक सतोगुण के, दया, मैं तो ध्यान रख रहा हूँ, मैं तो एक जीव की पालना कर रहा हूँ, पर इतना तो ध्यान रखता कि पालना मेरी साधना तो ना खा जाए। ये तो नहीं कि चलो बच्चा तो सो गया,
मैं आंख बंद कर रहा हूं तो भी मेरा ध्यान उसी में जाए जा रहा है। अब जब चिंतन अशुद्ध हुआ था वहां जागना चाहिए था ना, कारण तक गया होगा चिंतन, तो अंत समय वृत्ति हिरनी के बच्चे में गई, ऐसे चली गई। सोच के देखो, विचारने वाली एक बात है कि जब खोट आने लगा था चिंतन में, वहीं क्यों नहीं सही किया उसको, वहीं क्यों नहीं जागा? ऐसे कोई नहीं फिसलता। हम कहते हैं ना, कारण आया और अचानक फिसलन हुई, अचानक तो कुछ होता नहीं यहां पर। या कहते हैं कारण आने पर कारण शरीर का अज्ञान, पर कारण शरीर तक चिंतन से अज्ञान पहुंचाया भी तो होगा। सारा दिन वही चिंतन, वही बातें, वही वर्तते रहते हो, उसी स्वभाव में वर्तते रहते हो, सोचते रहते हो, और अचानक जब कारण आता है हो जाता है। फिर आप कहते हो मेरे से कैसे हो गया, कैसे क्या हो गया, किया तो हुआ, ऐसे थोड़ी हो गया। तुम्हारा वोट तो है ना साथ, जब वोटिंग होती है तो जीरो किसी का भी नहीं होता वोट, क्योंकि जो खड़े होते हैं मैदान में पहले उन्हीं को चांस मिलता है, जाओ अपने अपने को वोट डालो, और उनका वोट महत्व रखता है क्योंकि एक वोट से भी जीत सकते हैं, उनके वोट की भी तो वैल्यू है ना। हमारे अपने वोट की बहुत वैल्यू है, हमारा वोट किधर जाता है? दूसरों पर शायद हम सख्ती कर जाएं, पर अपने साथ इंसान किसी कोने में लीनियंटी होता है। हो सकता है दूसरे लोगों के लिए बहुत स्ट्रिक्टनेस हो आपके पास, पर अगर आपको पूछेंगे अपने लिए, कहीं ना कहीं लीनियंसी है, कहीं ना कहीं अपने आप को बख्शने का स्वभाव है। उस समय अपने स्वभाव में ही वर्तने को मन इच्छुक हो जाता है, बड़ा लगता है अभी तो कर, बाद की बाद में देखेंगे, ज्ञान बाद में सोचेंगे। आ भी रहा हो ना विचार, ऐसा तो नहीं है कि भगवान अंदर बैठ के बोलता नहीं, भगवान दिमाग में हथौड़े मार रहा होता है तो भी इग्नोर करते हो, सोचते हो अभी तो मन की कर लें, एक बार कर लेते हैं फिर सोचेंगे। नेचर है, अपने स्वभाव की अधीनता देखो कभी कभी ऐसी भी है, जो हम सोच रहे हैं ठीक है, जो हम कह रहे हैं ठीक है, कोई भी दूसरे की बात होगी हमें उसको गलत सिद्ध करना ही है, चाहे वो गलत ना भी हो, नेचर है, ये भी एक स्वभाव है। अप्रिशिएट हम बहुत कम करते हैं, क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, नेचर है। वही काम मैंने किया तो ठीक है, दूसरे ने किया तो बिल्कुल गलत है, ये कुदरत है एक, देखना तुम। सास चाय बनाने जाए उसको बोलो देर लगा दी, कहेगी चूल्हे पे बैठ जाऊं, बहू चाय बनाने गई तो सो गई क्या, है ना? बड़े नॉर्मल सी बातों में देखो एक नेचर बन चुका है, किसी की सही बात को भी गलत कर देना, किसी की गलत बात को भी सही कर देना, आते हैं हमें दोनों पहलू हैं, बड़े अच्छे आते हैं। ऐसा नहीं कि हम मूर्ख हैं, हमको दोनों पहलू बड़े अच्छे आते हैं, लेकिन जब तक हृदय पक्षपात रहित नहीं होता तब तक ये खेल चलता है स्वभाव का, कि कोई आपसे फ्रेंडली है उसकी गलत बात को भी आप सही बना के पेश कर दोगे, गलत है वो तो भी उसको सही सिद्ध कर दोगे,
और कहीं कोई सही है, आपका मन उसको भी गलत सिद्ध कर देगा। ये भी स्वभाव की अधीनता है। कभी कभी बाहर से आपको मौका नहीं मिलता कुछ कहने का, बोलने का, लेकिन अपने अंदर देखोगे ना अगर, फिर आपको पता चलेगा कि आप अंदर अंदर भी ऐसा बहुत कुछ करते हो। किसी को सही देखते हो, किसी को गलत देखते हो, किसी की बात को राइट कहते हो, किसी की बात को रॉन्ग कहते हो। कहीं कहीं पर जो हो गया हो गया, किसी कमेंट की ज़रूरत भी नहीं होती, जानबूझ के बात उछालते हो, उठा के ज़रूरत भी नहीं होती कभी कभी। डन सो डन, इट्स ओके। लेकिन नहीं, मैं किसी को बोलूं, मैं किसी को टोकूं, मैं किसी को समझाऊं, ये विचार आ जाता है अंदर में, स्वभाववश। स्वभाव की अधीनता है ना सारी की सारी। कभी कभी देखोगे, जैसे ग्रुप में ही चलते हो, अब एक चीज को चार लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, एक व्यक्ति कुछ ना कुछ टॉन्ट करेगा। अब उस टाइम ये सोचना चाहिए, अगर चार लोगों ने एक्सेप्ट कर ली ये बात, मैं भी कर लेता हूँ, इट्स ऑल राइट। खाने में ही कुछ बने, अच्छा चार लोगों ने चुपचाप खा लिया, मुझे कुछ लग भी रहा है, अच्छा इट्स ऑल राइट। रोज़ इन्हीं हाथों से मीठा फल भी तो खाया, आज कड़वा आ गया तो क्या हो गया, है ना? स्वभाव है ना सारा का सारा, कि हम कहीं भी एडजस्ट करने को तैयार नहीं होते, जबकि बातें हम एक रसोई घर से सुनते हैं, शुरू से दादा का अनुभव, नमक नहीं है तो मांगता नहीं था, कहां से सुनते यार। ज्ञान कितना हमारे बेसिक नेचर से सुनाया गया है हमें, बिल्कुल बेसिक बातों से। टमाटर नहीं है, बिना टमाटर के सब्जी बनाओ, ये मत बोलो टमाटर नहीं है, बोलो आज जीरे का छौंक लगाया है, ये नहीं कहना टमाटर नहीं है। कितना माइन्यूट बातें, छोटी बातें, बेसिक बातें, वहां से हमें सत्संग सुनाया जा रहा है, लेकिन हम किचन से लेके और सत्संग तक गलतियां करते जाते हैं, एक्सेप्टेंस पावर बढ़ाते ही नहीं है। कभी अपने कोई विचार ही नहीं देंगे, अच्छा मुझे ही क्यों बोलना है, मुझे ही क्यों टोकना है। अब हर एक अगर अपने अपने को ऐसे सोचना शुरू करे, आप बताओ आपके पास शोर होगा किसी बात को लेके? समझो किसी ने गलती कर दी, किसी ने कप तोड़ दिया, अच्छा टूट गया टूट गया, जब कोई नहीं बोल रहा मेरे को क्यों बोलना है, वो कही कोई नहीं बोल रहा मुझे क्यों बोलना है। अगले को अपनी शर्मिंदगी बहुत है ना, है कि नहीं? पर आते जाते हाँ तोड़ दिया, जल्दी मत किया करना, दूसरा आएगा, ध्यान से किया करना, तीसरा आएगा, तुमसे ही टूटता है हमेशा, शोर हो गया। एक एग्जांपल दे रहे हैं, है ना? अगर हर एक अपने अपने पार्ट पे ये सोच ले, चलो आज सब्जी में नमक कम है, सारे अपने अपने पार्ट पे ये सोच लो, क्या हो गया, दादाजी खा सकते हैं, हम क्यों नहीं, हम जतलाएं क्यों, गुस्सा भी नहीं करते हम, हमेशा प्यार से भी कह देते हैं, अच्छा नमक दे दो, नमक डालना भूल गए, आज कुछ मत बोल के देखो, आज कुछ बोल के मत देखो, कुछ एक्स्ट्रा करके मत देखो, देखें क्या होता है। सिर्फ स्वभाव पे जीत होगी और कुछ नहीं होगा, लेकिन हम इतनी सी भी ना तकल्लुफ अपने लिए नहीं करना चाहते, दूसरों के लिए बहुत बड़ी खेचल कर देंगे, ताने मार देंगे, बातें बोल देंगे, शोर कर देंगे, अपने लिए इतना सा तकल्लुफ नहीं होता कि लेट इट बी सो, आज चलो लेट इट बी, कहीं तो मैं भी अपने को बना लूं। अच्छा हम बोलते ही नहीं किसी बात के लिए, देखते हैं, सबने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने भी कर लिया, मैं भी नहीं बोलता आज, देखते हैं। फील करोगे एक पावर, क्योंकि एक बात से तुम्हें 10 स्वभाव समझ में आएंगे, तो यहां भी तो चुप रह सकता था, तो यहां भी तो चुप रह सकता था, अगले दिन से प्रैक्टिस में आ जाएगी बात, सहज स्वभाव सधने लगेगा, मौनता आने लगेगी, शांति फील होने लगेगी, द्वैत घटता समझ में आएगा, आनंद फील होने लगेगा। जकड़न तोड़नी शुरू तो करनी पड़ेगी ना, कई चीजों में हम स्वभाववश इतना नेचुरली वर्तते हैं कि हमें वो स्वभाव भी नहीं लगते, वो कमाल ये भी हो चुका हुआ है।
स्वभाव भी नहीं लगता ऐसा। कभी कभी अचानक किसी कहे तेरा स्वभाव है, हैरानी हो जाता है, हैं मेरा नेचर है सच्ची में पहले भी करता हूँ ऐसे, लगता है ये अंधा जिज्ञासु क्या कर रहा है यहाँ पे, विवेक से इतना अंधा है, इसको ये पता ही नहीं कि इसका स्वभाव है ये, हैरानी की बात है या नहीं। जितनी बातें हम सुनते हैं छोटी 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 छोटी, अगर बस धारण कर लें, सोच लें, मन हटता है कि नहीं संसार से? मन संसार से हटाना मुश्किल नहीं है, कभी टोक के ही नहीं देखा अपने को, दो चार दिन अपने को टोको सबसे मन हट जाएगा। ये मन संकल्प उठाता है ना, बोल कह दे इसको, टोक दे फलाने को, बोलो क्यों कहना है? जब कोई नहीं कह रहा मुझे भी क्यों कहना है? देखो फिर, अभी हम ये नहीं कहते मन नहीं चलेगा, पर बड़ा पॉजिटिवली चल उठेगा, लगेगा फिर तो फलानी बात में भी ना बोलता, फिर तो फलानी बात में आगे से बात आएगी, लगेगा क्यों कल नहीं बोला तो क्या हुआ आज भी नहीं बोलता। प्रैक्टिस शुरू, पर वो हुड़क उठ गई अंदर, कह के ही दम लेना है, हो गई बात खराब। चलो अगला चाहे सुधर जाए, चाहे अगला बुरा ना लगाए, पर तुमने अपने स्वभाव में एक बार फिर वरत के एक परत चढ़ा ली। पहले वाली उतर नहीं रही, तुमने एक परत और चढ़ा ली, किसका नुकसान किया? अपना, किसी का तो कुछ गया नहीं इसमें। तुम लड़े किसी से, अगला चुप हो गया, बड़ा होते हुए भी चुप हो गया, तुमने अपशब्द कहे चुप हो गया, तुमने क्या किया? तुमने अपना काम और पेचीदा कर लिया, लगे रहो, पहले जंग उतर नहीं रहा और लगा लिया, पहले मैल उतर नहीं रही और अपने स्वभाव में मैं ना वर्तूं ये सावधानी भी रखनी पड़ती है, सारा दिन ये अलर्टनेस रखनी पड़ती है सबको कि कहीं मेरा मन मुझे फिर ना बरतवा जाए अपने स्वभाव में, और इसी सावधानी में तो सबसे मन हटता है। इसी सावधानी में तुम देखोगे तुम्हारा सबसे मन हटने लगेगा, मैं क्यों पढ़ूं किसी पचड़े में? क्योंकि हर समय जब अपनी झुग्गी में आग लगी हुई है, मैंने बताया ना एक बड़े थे कोई हमारे साथ चल रहे थे, तो किसी के घर गए तो उन्होंने, जैसे यंग भी थे अभी, बहुत बड़े उम्र तो नहीं थी पर फिर भी बड़े थे, तो किसी ने उनको नमस्ते करके उनके नाम के साथ जी लगाया, नमस्ते फलाने जी, तो एकदम उसने बोला पहले ही अहंकार नहीं जाता, आप जी तो ना लगाओ, आप मेरे से एज में बड़े हो, बच्चे हैं हम आपके, बात तो आई गई हो गई, लेकिन हमें बहुत बड़ी सीख मिली है, एक सावधानी तो है ना अगले के अंदर, क्योंकि जब हम गुरु के साथ चल रहे हैं बड़े लोग भी हमको जी करते हैं, और मन मुआसुनता तो है, तो इतना अपने को टोकने का ठोकने का स्वभाव होगा तो मुंह से भी निकल गया बोला पहले ये अहंकार नहीं जाता, आप अब जी तो ना बुलाओ, कैजुअल बात है लेकिन सावधानी तो है अगले के अंदर, इसको हम इनकार नहीं कर सकते, अगले के अंदर की एक सावधानी तो है, और बोलना ये और बड़ी बात है, बोलना और बड़ी बात है, क्योंकि अंदर आ जाए रख लिया अलग बात है, एक्सेप्ट करना आए अगला क्या सोचेगा, हम इतने गंदे हैं अंदर से, रेपुटेशन बना लेते हैं ना अपने आप साथ चलते हुए भी, मिटने का मार्ग है लेकिन बेसिक नेचर इस रूप में भी आ जाता है, पहले संसार का मान एक्सेप्ट होता था अब यहां का, पर जिस दिन नहीं मिलेगा उस दिन गुस्सा भी आएगा, अभ्यास यहां भी चाहिए, प्रैक्टिस यहां भी चाहिए, तो अपनी जकड़न तोड़नी पड़ेगी,
मुर्गी का बच्चा होता है, अंडा तोड़ के बाहर आता है। अपने स्वभावों की जकड़न तोड़े बिना आत्मशक्ति प्रकट कैसे होगी? तोड़ना तो पड़ेगा शैल, ये भी एक शैल बन जाता है और बन चुका है, जन्मों जन्मों से अभ्यास पड़ चुका है, अभी भी इस अभ्यास में पड़े ही हुए हैं, तो ये जकड़न तो तोड़नी पड़ेगी ना हरेक को। अपने ऊपर कृपा करके, अपने साथ मेहनत करके इस जकड़न को तोड़ना तो पड़ेगा। अगर ये जकड़न नहीं तोड़ी तो कैसे काम बनेगा? और जो अधीन रह जाता है अपना शैल, ना खुद तोड़ता है ना गुरु को तोड़ने देता है, वो अपने साथ धोखा किए जा रहा है। ये कोई हिम्मत वाली बात नहीं है, कोई आत्मा की स्थिति वाली बात नहीं है कि मैंने तो गुरु को भी सुना अनसुना कर दिया। तो फिर तुम स्थिति में कैसे दृढ़ होएंगे? जितना मर्जी कबीर का गुरु होशियार था, कबीर जैसा तैयार भी कर दिया, पर अपनी वासना बेर में चली गई कि नहीं? अभिमान कौन कर सकता है यहाँ पे? इसीलिए गीता भगवान ने लिखा, जब शुक्राने लिखे लास्ट में लिखा, जब तक शरीर जीवित है तो शुक्राने मानने में, गुरु को समर्पित रहने में ही भलाई है। पता नहीं कहाँ से कौन सी माया, कौन सा अहंकार हावी हो जाए। लास्ट लाइन ही लिख दी उन्होंने, इसीलिए शुक्राने मानना मैं जरूरी समझती हूँ, भले स्वयं ही निराकार है, पर बोला फिर भी सरेंडर करके चलने में भलाई है, क्योंकि अभी देह तो धारण की हुई है ना। तो जब इतने बड़े बड़े ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी सुजाग हैं, दादा की कैसेट सुन रहे हैं, कितनी गुरु की महिमा गा रहे हैं, ऐसे लग रहा है अभी तक सरेंडर होके ही बैठे हुए हैं, गुरु दोबारा मिले भी नहीं, पर वो समर्पित बैठे ही हुए हैं। तो समझ में आ रहा है कि संसार में भी जो अपने ऊपर माँ बाप को नहीं रखते वो बिगड़ जाते हैं, यहाँ भी अगर गुरु को, गुरु की महिमा को दिल में, दिमाग में, वाणी में ना रखा जाए तो नुकसान हो सकता है। तो ये बेसिक नेचर जो है उस पर पुरुषार्थ करना जरूरी वाली बात है। अपने स्वभावों की अगर पालना करते रहे अंदर, फिर ये मार्ग मुश्किल होता जाएगा आगे आगे, क्योंकि समय बढ़ने के साथ ये भी भाव आ जाता है, मुझे भी ज्ञान आता है, अहंकार आ जाता है, मैं भी जानता हूँ, आई नो, मेरे को भी सब आता है, नए पचड़े में पड़ जाते हैं, तो फायदा नहीं।